हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त ब्रिजेन। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं इस वीडियो सेशन में दोस्तों सुपर टेट की बात करेंगे। कितना अलग होगा सुपर टेट का सिलेबस, क्या कुछ परिवर्तन होगा सुपर टेट के सिलेबस में। ये काफ़ी दोस्तों का प्रश्न था कि सुपर टेट का जो सिलेबस है वो क्या होगा और कितने विषय उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार सुपर टेट में बैठेंगे जो टीटी परीक्षा के बाद होगी। तो इसका सिलेबस पहले क्लियर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस क्लियर है, अगर हमें रास्ता पता है, तब हम उस मंजिल को आसानी से तय कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सुपर टेट 2019 में होने वाला है उसका सिलेबस क्या है और कितने विषय सुपर टेट में पूछे जाएंगे जिन्हें हमें बखूबी तैयार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सुपर टीटी का सिलेबस जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो उससे वाकिफ़ होंगे, तो उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है ये बहुत ही लेंथी एग्ज़ाम है। इसमें बहुत सारे विषय हैं जिनकी प्रिपरेशन हमें करनी होती है, तो उनसे रूबरू मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, ये सब्जेक्ट्स हैं कुल मिला के, यहाँ पे 15 सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, 15-16 सेक्शंस हैं, तो जिन्हें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी से अगर आप टारगेट करके चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट पे मेहनत करते हुए चलेंगे, और तभी जा करके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हिंदी लैंग्वेज है सभी के लिए, अंग्रेजी यहाँ पे, संस्कृत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टीटी की परीक्षा या सीटीटी की परीक्षा में आपको संस्कृत और अंग्रेजी में ऑप्शन मिला करता था कि चाहे आप संस्कृत चुन लें या फिर अंग्रेजी या फिर उर्दू। लेकिन जो सुपर टेट का एग्ज़ाम अभी दो बार हुआ है, उस अभी इससे पहले जो है उसमें कोई ऑप्शन लैंग्वेज का नहीं दिया गया है, और आने वाले एग्ज़ाम में भी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होगा ऐसा मान के चलिए। तो कहने का मतलब, हिंदी तो सबको पढ़ना ही होता था सुपर टेट के लिए, अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को पढ़ना है, चाहे वो संस्कृत आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है सब्जेक्ट हो जाता है। अंग्रेजी वालों के लिए संस्कृत परेशान करती है और संस्कृत वालों के लिए अंग्रेजी, तो ये सबके लिए कंपलसरी है। गणित भी सबके लिए कंपलसरी है। वहाँ पर टीटी में आपने देखा था कि जो साइंस स्ट्रीम के थे उन्हें गणित करना था, जो आर्ट्स स्ट्रीम के थे उन्हें गणित के स्थान पे सोशल स्टडी का पोर्शन सॉल्व करना था, और विज्ञान का भी वही हाल था। तो ये सब गणित विज्ञान सब को करना है, सब के लिए कंपलसरी है। पर्यावरण विज्ञान वहाँ भी किया था आपने, यहाँ भी किया है, तो ये हो गया। फिर मनोविज्ञान का पोर्शन यहाँ है, कुछ टॉपिक्स होंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का टॉपिक होगा यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भूगोल का जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और पृथ्वी से रिलेटेड और भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं महत्वपूर्ण, महाद्वीप और नदियाँ, घाटियाँ, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें, घास के मैदान, ये भूगोल के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाएगा। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का खास करके प्रश्न आता है, और ये आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए इनको अभी से आप नोट करके चलें। और इन सभी विषयों की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा और इनकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो अभी मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे आप इन सब चीज़ों को मेरे द्वारा ले सकते हैं पीडीएफ और वीडियो। और अगला जो है यहाँ पे जीवन कौशल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दरअसल किताबों में बहुत कम मिलता है, कहाँ से तैयार करना है मैं वो बताऊँगा, तैयार कराऊँगा। और शिक्षण कौशल भी एक टॉपिक है जो काफ़ी डिफरेंट है, और ये सामान्य रूप से किताबों में कम पढ़ने को मिलता है। कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट के भी क्वेश्चंस आते हैं। समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और रीजनिंग भी पूछा जाता है जो एसएससी और वनडे एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे 15 मैंने कैटेगराइज किए हैं, और भी है, विद्यालय प्रबंधन का भी क्वेश्चन होता है जो इसी में मनोविज्ञान के तहत ही आ जाएगा। तो देखने में ये सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और इसकी प्रिपरेशन में समय लग सकता है, इसलिए हमें टाइम रहते इसकी तैयारी शुरू कर देना होता है। तो दोस्तों, आपको ये सभी विषय मैं अपने चैनल के माध्यम से और पीडीएफ फाइल के माध्यम से प्रिपेयर कराना चाहूँगा, और इसके लिए पीडीएफ फाइल के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, और वहीं से आपको पीडीएफ फाइल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा कि कैसे आप इन सारे विषयों की पीडीएफ फाइल और टीटी की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं।